हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का इंग्लिश का चैप्टर द रियरेस्ट एनिमल ऑफ ऑल, न्यू जॉन्स इंग्लिश रीडर से लिया गया है, ऑल द क्रेडिट गोज़ टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द रियरेस्ट एनिमल ऑफ ऑल, इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो रियरेस्ट होता है जो बिल्कुल रेयर हो, जो बिल्कुल पाया ना जाए, बहुत दुर्लभ हो। तो ऑफ ऑल मतलब सभी जानवरों में, तो सभी जानवरों में सबसे कम पाया जाने वाला, सबसे दुर्लभ जानवर जो बहुत मुश्किल से मिलता है। डॉक्टर डोलिटल इज़ अ बिलव्ड करेक्टर, डॉक्टर डोलिटल जो हैं वो बहुत ही प्यारे करेक्टर हैं। किसको? फ्रॉम द सीरीज ऑफ बुक्स, जो किताबें लिखी गई हैं किसके द्वारा? बाय ह्यूग लॉफ्टिंग के द्वारा। देखो ह्यूग लॉफ्टिंग ने बहुत सारी किताबें लिखी और उसमें डॉक्टर डोलिटल उनके सबसे प्यारे करेक्टर थे, उस करेक्टर को वो बहुत यूज़ करते थे। द गुड डॉक्टर कैन टॉक टू एनी एनिमल, एक अच्छा डॉक्टर बात कर सकता है किसी भी जानवर से इन इट्स ओन लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज में। एंड ही सील्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये जो डॉक्टर डोलिटल है ना, ये पूरी दुनिया में घूमते हैं हेल्प करने के लिए एनिमल्स की एवरीवेयर। रीड अबाउट हिज एनकाउंटर, उनकी मुलाकात, एनकाउंटर का मतलब होता है उनकी मुलाकात। किसके बारे में पढ़ना है? वो द रेयरेस्ट एनिमल इन अफ्रीका, एक अफ्रीका के बिल्कुल रेयरेस्ट एनिमल पुष्पी पुलियसन की मुलाकात होती है, और उसके बारे में हम इस बात को पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पुष्पी पुलियस आर नाउ एक्सटिंक्ट, अब जो पुष्पी पुलियस हैं अब विलुप्त हो चुके हैं, अब बिल्कुल भी नहीं है। पुष्पी पुलियस जो हैं वो एक जानवर हैं और वो अब बिल्कुल भी नहीं है, अब वो दिखाई नहीं देते। दैट मीन्स दे आर आरंट एनी मोर, वो बिल्कुल भी अब नहीं है। बट लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, व्हेन डॉक्टर डोलिटल वॉज अलाइव, जब डॉक्टर डोलिटल जिंदा थे ना, तो देयर वर सम ऑफ देम, वो कुछ पुष्पी बुलियस थे लेफ्ट बचे हुए थे इन द डीपेस्ट जंगल ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीका के बिल्कुल घने जंगलों में ये थे। एंड इवन देन दे वर वेरी वेरी रेयर, लेकिन उस वक्त भी ये बहुत रेयर थे, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा थे। जब ये डॉक्टर डोलिटल को मिलते हैं तब भी ये बहुत रेयर थे। दे हैड नो टेल, इनकी कोई भी पूंछ नहीं होती, बट अ हेड होता है इनका एट ईच एंड, दोनों तरफ इनकी बॉडी के हेड होता है, ये देख रहे हो, इनकी बॉडी के दोनों तरफ इनका सर होता है। एंड क्या होती है, इनकी शार्प हॉर्न्स होते हैं, इनके जो हॉर्न मतलब इनके जो सींग होते हैं ना, ये रहे इनके हॉर्न, ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। दे वो वेरी शाय, और स्पेशल बात क्या है कि पुष्पी पुलियस बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते थे, एंड टेरिबली हार्ड होता था इनको कैच करना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विच वे यू केम टूवर्ड्स, आप इधर से भी आ जाओ, दोनों तरफ इनका सर है तो आप किस रास्ते से आ रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉज ऑलवेज फेसिंग, वो हमेशा तुम्हें ही देख रहे होते थे, उनका फेस तुम्हारी तरफ ही होता था, मतलब आगे भी देख रहे हैं पीछे भी देख रहे हैं, दोनों तरफ मुँह है तो तुम इनके आगे से आओ या पीछे से आओ, इनका दोनों तरफ मुँह होता है तो वो तुमको देख रहे होते थे। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ओनली वन हाफ ऑफ हिम स्लेप्ट एट अ टाइम, एक बार में एक ही जो है सर इनका सोता था और बाकी दूसरा वाला निगरानी करता था। द अदर हेड वॉज अवेक, दूसरा हेड उनका जागा रहता था एंड वॉचिंग, देखता रहता था। दिस वॉज वाई, यही कारण हुआ, दे वर नेवर कॉट, कभी पकड़े नहीं गए, नेवर सीन इन जूज, उनको जू में भी कभी देखा नहीं गया। दो मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट हंटर हंट्समैन, बहुत सारे शिकारियों ने, एंड क्लेवरेस्ट, बहुत ही मिनाजरी कीपर्स जो होते हैं ना, एनिमल्स की देखभाल जो करते हैं जंगलों में, उन्होंने स्पेंड कर दिए ईयर्स, अपनी ज़िंदगी के कई साल उन्होंने लगा दिए है ना, ऑफ देयर लिविंग लाइव्स सर्चिंग थ्रू द जंगल, इनको ढूंढते रहे ढूंढते रहे, ये नहीं मिले। इन ऑल वॉचर्स फॉर पुष्पी बुलियस, पुष्पी बुलियस को सब ढूंढते रहे, ऑल वेदर्स में ढूंढते रहे, लेकिन ये नहीं मिले किसी को, नॉट अ सिंगल वन हैड एवर बीन कॉट, एक भी पुष्पी बुलियस पकड़ा नहीं गया। इवन देन, तब भी क्या होता है, ईयर्स है, बहुत सालों पहले की बात है, ही वॉज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड विद टू हेड, उस समय भी वर्ल्ड में केवल यही एक एनिमल थे जो कि जिनके दो सर थे। एक दिन की बात है, वन डे मंकी सेट आउट लुकिंग फॉर द एनिमल थ्रू द फॉरेस्ट, मंकी जो हैं वो निकलते हैं ठीक है, जंगल में से गुजर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं इसको। एंड आफ्टर दे हैड गॉन मेनी माइल्स, जब वो बहुत दूर चलते हैं तो वन ऑफ देम फाउंड स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, तो क्या होता है, स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, बहुत अजीब से उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं इन मंकीज़ को, नियर द एज ऑफ द रिवर, कहाँ दिखाई देते हैं, नदी के किनारे। एंड देन यू, वो समझ जाते हैं दैट अ पुष्पी पुलियस मस्ट बी वेरी नियर एंड स्पॉट, तो वो समझ जाते हैं कि भाई पुष्पी पुलियस जो है बहुत पास है और इसको आज जो है पकड़ा जा सकता है। फिर क्या होता है, देन दे वेंट अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे चलते हैं, अ लिटिल वे, थोड़ा दूर जब वो चलते हैं,
एंड दे सॉ वो एक जगह देखते हैं, एक प्लेस देखते हैं वेयर द ग्रास वॉज हाई, जहाँ पर क्या होता है घास बहुत ऊँची होती है एंड थिक बहुत घनी होती है. एंड दे गेस्ट वो गेस कर लेते हैं दैट ही वॉज इन दैर, कि पुष्पी पुलिस ज़रूर यहाँ पर है. सो दे ऑल जॉइंट हैंड्स, वो सब हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का एंड मेड अ ग्रेट सर्कल राउंड द हाई ग्रास. अब वो हाई ग्रास के आजू बाजू पूरा एक सर्कल लगा लेते हैं कि ग्रास से कहीं से भी निकलेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे. द पुष्पी पुलिस हर्ड देम कमिंग. अब पुष्पी पुलिस सुन लेता है कि बंदर आए हुए हैं भैया. एंड ही ट्राइड हार्ड टू ब्रेक थ्रू द रिंग ऑफ मंकीज, वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से रिंग ऑफ मंकीज से वो निकल पाए, बट ही कुडंट डू इट, वैसा नहीं कर पाता. व्हेन ही सॉ, जब वो देखता है दैट इट वाज नो यूज ट्राइंग टू एस्केप, कि अब कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ से हम नहीं भाग सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का. ही सेट इट डाउन, वो बैठ जाता है एंड वेटेड टू सी, और इंतजार करने लगता है, देखने लगता है व्हाट दे वांटेड, कि इन बंदर को क्या चाहिए भाई. दे आस्क्ड हिम, वो उससे कहते हैं इफ़ यू वुड गो विद डॉक्टर डोलिटल, बंदर कहते हैं कि अगर देखो पुष्पी बोले सो मैं साथ डॉक्टर डोलिटल के पास चलोगे. एंड ही पुट ऑन शो द लैंड ऑफ मैन, के मतलब लोगों का ना जो इंसानी लोग हैं उनमें वहाँ पे शो होता है, जैसे तुम लोग नहीं देखते सर्कस वगैरह देखते हो ऐसा कुछ भी, तो उन लोगों का शो होता है, तो क्या तुम वहाँ चलोगे और मदद करोगे उनकी, एक तरीके से वो ये पूछ रहे होते हैं. बट ही शू किस बोथ हिज हैंड, वो दोनों अपने हेड जो है वो मना कर देता है, वो सुनता है कहता नहीं नहीं सर्टेनली नॉट, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे. दे एक्सप्लेन्ड टू हिम, वो एक्सप्लेन करते हैं बंदर उसको दैट ही वुड नॉट बी शट अप इन द जू, तुमको जू में नहीं बंद किया जाएगा भैया, ना जू तुम्हें नहीं रखा जाएगा. बट वुड जस्ट बी लुक डैट, बस लोग तुम्हें देखेंगे. तो दे टोल्ड हिम दैट डॉक्टर वॉज अ काइंड मैन, बंदर समझाते हैं पुष्पी पुलिस को कि डॉक्टर जो है ना बहुत अच्छा इंसान है भाई, ही हैडंट एनी मनी, लेकिन वो जो डॉक्टर है ना उसके पास पैसे नहीं है. एंड पीपल वुड पे टू सी अ टू हेडेड एनिमल, अगर देखो तुम हमारे साथ चलोगे तो लोग तुम्हें देखने के उन्हें पैसे दे देंगे. बेसिकली बंदर डॉक्टर की हेल्प करना चाह रहे हैं, डॉक्टर बहुत गरीब है लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि वो जानवर की मदद करता है, तो जानवर आप डॉक्टर की मदद कर रहे हैं. तो डॉक्टर वुड गेट रिच एंड कुड पे फॉर द बोट, डॉक्टर रिच हो जाएगा और बोट के लिए पे कर पाएगा. कौन सी बोट के लिए? ही हैड बोरोड टू कम टू अफ्रीका, जो बोरो उसने करी थी अफ्रीका से आने के लिए. बट ही आंसर्ड नो यू नो हाउ शाई आई एम, लेकिन ये कहता है पुष्पी पुलिस कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें तो पता ही है मैं कितना शाई हूँ, कितना शर्मीला हूँ. आई हेट बींग स्टेयर्ड एट, मुझे तो बिल्कुल नफरत है कि कोई मुझे देखे, मुझे घूरे. एंड ही ऑलवेज बिगिन टू क्राई, वो रोने लग जाता है. देन फॉर थ्री डेज क्या होता है, मंकी ट्राई करते हैं उसको परसुएट करने के लिए, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उकसाने की कोशिश करते हैं. एंड एट दी एंड ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या होता है, ही सेड दैट ही वुड कम विथ देम, कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा एंड सी वॉट काइंड ऑफ अ मैन डॉक्टर वॉज, और देखता हूँ भाई डॉक्टर किस तरीके का आदमी है पहले. सो द मंकीज ट्रेवल्ड बैक, मंकी जो है फिर से ट्रेवल करते हैं, वापस जाते हैं पुष्पी पुलिस के साथ. एंड वेन दे केम टू वेयर द डॉक्टर डोलिटल हाउस, जब वो डॉक्टर डोलिटल के घर के पास पहुँचते हैं, ऑफ द ग्रास वॉज, तो घास का उनका घर था, हाउस ऑफ ग्रास था डॉक्टर डोलिटल का. दे नॉक ऑन द डोर, तो बंदर जो है डोर पे नॉक करते हैं. अब अंदर से कौन निकलेगा? द डक हु वाज पैकिंग द ट्रंक साइड कमिंग, जो एक डक होती है उनके घर में, ठीक है, वो ट्रंक पैक कर रही है, ठीक है, बक्सा पैक कर रही होती है. तो इन लोगों को बोलते हैं कम इन, अंदर आ जाओ. एंड चीची वेरी प्राउडली टुक द एनिमल इनसाइड, चीची कौन? बंदर. बंदर लाए हैं ना इसको, बड़े खुशी खुशी बड़े प्राउड के साथ इस एनिमल को अंदर लेके जाते हैं. एंड शोड हिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाते हैं. व्हाट इन द वर्ल्ड इज इट, अरे दुनिया में ये क्या है? अक्सर डॉग जॉन डो लिटिल बोलते हैं एकदम गेजिंग, मतलब ध्यान से देखते हैं एट द स्ट्रेंज क्रिएचर, इस बड़े अजीब से जीव को. लॉर्ड सेव अस, भगवान हमें बचाए, क्राइड द डक, भगवान ने हमें बचा लिया. अच्छा वो बोलती है, डक एकदम खुश हो जाती है कि अरे अनोखा एनिमल आया, मतलब उसको समझ में आ जाता है हम इसका शो करेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे. तो डक कहती है भगवान ने हमें बचा लिया है. इट डजंट लुक टू मी एज दो इट हैड एनी, तो हाउ डज इट मेक अप इट्स माइंड. अच्छा ठीक है, तो फिर वो पूछते हैं कि भाई इसने अपना दिमाग कैसे बनाया. तो कुत्ता बोलने लगता है कि जिप जो डॉग होता है वो बोलने लगता है कि इसके पास तो क्या है, दिमाग ही नहीं है, सोचने का क्या है इसके पास. ही डजंट लुक टू मी, मुझे ऐसा देखने में से लग ही नहीं रहा है एज दो इट हैड एनी, इसने माइंड मेकअप किया. तो दिस डॉक्टर सेड चीची चीची क्या बोलता है, इज द पुष्पी पुलिस द रेयरेस्ट एनिमल ऑफ द जंगल. अच्छा दिस डॉक्टर सेड चीची चीची बताते हैं ये पुष्पी पुलिस हैं अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला ओनली टू हेडेड एनिमल है, ठीक है, जानवर है, बीस्ट मीन्स जानवर. टेक हिम, टेक होम विद यू एंड योर फॉर्चून मेड, हम इसको तुम्हारे घर लेकर आए हैं जिससे तुम्हारा भाग्य बन जाए. पीपल विल पे एनी मनी टू सेम, लोग इसे देखने के कितने भी पैसे दे देंगे. बट आई डोंट वॉन्ट मनी सेट डॉक्टर, डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो पैसे की जरूरत नहीं है जरूरत. येस यू डू सेट डैब डैब, डैब डैब कौन है? डक है. तो डक बोलती है नहीं नहीं तुम्हें पैसे की जरूरत है, डोंट यू रिमेंबर, कि तुमको याद नहीं है हाउ वी हैड टू पिंच एंड स्क्रैप टू पे द बचर्स बिल इन
पुडलबी, हमें पुडलबी में किस तरीके से, मतलब क्या हम लिव कर रहे थे बहुत ही केयरफुली वेरी लिटिल मनी के साथ, है ना, और तुम कह रहे हो तुमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको तो ज़रूरत है पैसे की, तो वो बोलने लगते हैं अनलेस वी हैड द मनी टू बाय इट, और हमको क्या करना है एंड हाउ आर यू गोइंग टू गेट द सेलर, तुम किस तरीके से जाओगे नाविक के पास न्यू बोट खरीदने के लिए, हम पर तो पैसे ही नहीं है। तो बेसिकली ये समझा रही है इसको डक कि डॉक्टर साहब पैसे की तो बहुत ज़रूरत है हमें, आई वॉज गोइंग टू मेक वन, सेट द डॉक्टर कहता है नहीं मैं खुद बनाने वाला हूँ। ओ डू द सेंसिबल, तो कहती है डब डब बोलती है, डब बोलती है अरे कुछ तो समझदार बनो तुम, चलो ठीक है तुम खुद बोट बनाओगे, लेकिन वेयर वुड यू गेट ऑल द वुड, तुम लकड़ी कहाँ से लाओगे, तुम नेल कीले कहाँ से लाओगे उसे बनाने के लिए, एंड बिसाइड्स इसके अलावा व्हाट आर वी गोइंग टू लिव ऑन, और हम कैसे रहेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, खाएंगे क्या, वी शैल बी पुअरर देन एवर, हम और पहले से गरीब हो जाएंगे, व्हेन वी गेट बैक, जब हम वापस आएंगे। तो चीची परफेक्टली बोलता है, चीची इज़ परफेक्टली राइट। तो डक समझाती है कि जो बंदर है ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेक द फनी लुकिंग थिंग अलॉन्ग, अपने साथ ले लेते हैं इसको, एंड क्या होगा, डू वेल, अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, परहैप्स देयर इज समथिंग इन व्हाट यू से, डॉक्टर को समझ आती है बात, बोलता है चलो कुछ तो बात है जो तुम कह रहे हो, वो धीरे धीरे मरमर करता है, मतलब धीरे से वो बोलता है इट सर्टेनली वक मेक अ नाइस न्यू काइंड ऑफ अ पैट, और ये एक नए एक तरीके का पैट होगा, बट डज द व्हाट डू यू कॉल इट रियली वॉन्ट टू गो अब्रॉड, तो वो बोलते हैं कि भाई तुमको क्या बोलते हैं, क्या तुम जो है मेरे साथ विदेश चलना पसंद करोगे, तो ये समझ जाता है पुष्पी बुलियास की अच्छा आदमी, तो बोलता है येस आई गो, मैं चलूँगा, सेट द पुष्पी बुलियास हु सॉ एट वंस, जो एकदम से दिखता है फ्रॉम द डॉक्टर फेस, डॉक्टर के फेस को, दैट ही वॉज अ मैन टू बी ट्रस्टेड, ये डॉक्टर पुष्पी बुलियास समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति पर ट्रस्ट किया जा सकता है, एंड द मंकीज टेल मी दैट, मंकीज ने मुझे बताया, कहते हैं कि दैट आई एम द ओनली वन हु विल डू, कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं ही अकेला एनिमल हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट यू मस्ट प्रॉमिस मी, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो दैट इफ़ आई डू नॉट लाइक इट इन द लैंड ऑफ मैन, अगर मुझे इंसान के लैंड पर रहना अच्छा नहीं लगा ना, तो यू विल सेंड मी बैक, आप मुझे वापस भेज दोगे, ठीक है, वाई सर्टेनली ऑफ कोर्स सेंट द डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगा, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।